चार्मिंग लड़की है हु बिलीव्स इन द गुडनेस और डिस्पाइट ऑफ द यू नो हार्शनेस ऑफ द सोसाइटी उसके लुक की वजह से स्टिल शी इज़ सो पैशनेट अबाउट हर लाइफ और बहुत खुश रहती है अपनी फैमिली के साथ और अपने क्लोज वंस के साथ और बहुत अच्छा लगेगा आप जब शो देखोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लड़की है वो। प्रोमो हमने देखा, प्रोमो बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये रोल आपको कास्ट कैसे किया गया इस रोल के लिए? इस रोल के लिए एक्चुअली मैंने पैनोरामा के साथ मेरा पहला शो भी इनके साथ ही था और ये उनका दूसरा शो है, तो मुझे इसका ऑडिशन मिला था। काफ़ी टाइम तक मैंने इसका ऑडिशन दिया था एंड लकीली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले लीड। निहार, आप अपने इस किरदार के बारे में बताएं और इस शो को क्यों देखें पब्लिक वो बताएं आप। जी, मेरा किरदार एक्चुअली में 70% तो मैं ही हूँ, जो एक्चुअली में मैं रियल लाइफ में हूँ। रिच है, हैंडसम है, चार्मिंग है, स्मार्ट है एंड केयरलेस है, वो भी मैं थोड़ा सा हूँ, बट नेगेटिव नहीं है। मतलब एक्चुअली में रियल लाइफ जैसे आजकल का यूथ होता है, थोड़ा सा केयरलेस होता है, डैड उसके पीछे पड़े हैं कि भाई बिज़नेस ज्वाइन करो, बट वो करना नहीं चाह रहा है अभी बिकॉज ही इज़ यंग एंड ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय लाइफ। तो अभी तो ऐसा ही है, बट ऐसा नहीं है कि वो किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। अगर उसको उसके डैड उसको कुछ बोलते हैं तो वो सुनता है चुप करके, वो उन पर हावी नहीं होता। तो रिस्पेक्ट है, सब है, बट थोड़ा सा केयरलेस है। एंड बाकी सर, क्या ये आपका पहला शो है? जी, ये मेरा दूसरा शो है, इससे पहले मैंने मोल्की किया है, बट एज अ लीड ये मेरा पहला शो। अभी पब्लिक क्यों देखे आपका मन सुंदर उस शो में, सबसे हाईलाइट पॉइंट क्या है? पब्लिक इसलिए देखेगी क्योंकि हमने ये शो बड़ा रियलिज्म पे बेस किया हुआ है। मतलब अगर आप जैसे मुझे देखोगे या किसी भी कैरेक्टर को देखोगे, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे घर की स्टोरी है। मतलब इसमें एक रिच फैमिली है, एक नॉर्मल फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, एंड बड़ा ही कंट्रास्टिंग रिलेशनशिप्स हैं सबके एक दूसरे से, एंड बड़ा ही ऐसे है कि कोई एक्स्ट्रा हमने मसाला डालने की कोशिश नहीं की है, जो रियलिज्म होता है हर फैमिली में होता है। तो अगर कोई टीवी पे देखेगा एंड बोलेगा कि यार मतलब ये तो अपने घर में भी ऐसे ही होता है, कुछ ऐसे there's no negativity in the, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा हमने जो ऐसे है ना आउट ऑफ ऐसा कुछ जो होता ही नहीं है वो डालने की कोशिश नहीं की। सो इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी रियल एंड पीपल कुड कनेक्ट टू दिस। ओके, थैंक यू। आप दोनों एक आ जाओ, फोटो ले लेते हैं। चल चलो रुक गया। इस शो में आप अपने किरदार के बारे में बताइए और अपने बारे में कि इसके पहले आपने टीवी में क्या किया है। मेरा नाम है मनीषा सक्सेना। मैंने इस शो में रितु का कैरेक्टर निभाया है और निभाने जा रही हूँ। एक्चुअली रितु के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रितु एक एक्स मॉडल थी, एक राजस्थान की एक्स मॉडल थी, एंड उसकी पर्सनालिटी इज़ वेरी चार्मिंग। वो बहुत कॉन्फिडेंट है और ऐसा नहीं है कि जैसे हम कुछ बात हो रही है घर में तो उसका हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलाना, ऐसा नहीं है। शी हैज़ अ से इन एवरीथिंग। उसका खुद का दिमाग है, खुद की सेंसिटिविटी है जो जिस पे वो बात करती है। अबाउट माई शोज़ एंड एक्सपीरियंस दैट आई हैव, इससे पहले मैं राधा कृष्ण कर रही थी जो कि स्टार भारत पे आता है। आई वॉज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ जाम्बवती। उससे पहले मैं सब टीवी पे मंगलम दंगलम, इट वॉज़ अ रोमांटिक कॉमेडी शो, आई वॉज़ प्लेइंग द नेगेटिव लीड ऑफ द शो, एंड उससे पहले सोनी पे पहरेदार पिया की एंड रिश्ता लिखेंगे हमने आ कर रही थी। थैंक्स। आप बताएं। मैं प्रतीक का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, निहार का ओल्डर ब्रदर। उसका कैरेक्टर बेसिकली वेरी सीरियस, बिजनेस ओरिएंटेड, फादर उनके रोल मॉडल हैं, जो फादर बोले वही वो मानेंगे। इवन दो ही डिसएग्रीज विद हिज फादर, वो कभी उनको या पब्लिकली या बोलेंगे नहीं कि हाँ मैं डिसएग्री करता हूँ, बस उनकी बात चुपचाप मान लेंगे। लिटिल इंट्रोवर्ट, लिटिल सबड्यूड, सटल, बट वेरी सीरियस इन बिजनेस ओरिएंटेड। रही बात पहले काम करने की, तो मैंने काफ़ी थिएटर और ड्रामा किया हुआ है, प्राइवेट शूट्स, कॉर्पोरेट शूट्स किया हुआ है, और मेरा ये सीरियल काफ़ी टाइम बाद हुआ है, सो इट्स एज गुड एज न्यू। ओके, ये शो क्यों देखें ये बताइए। जो बहुत ख़ास बात मुझे इस शो की लग रही है, जैसे कि निहार ने भी बोला कि बहुत ही
रियल है, मतलब वी आर ट्राइंग टू शो. बहुत सारे कट्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वो ही चाहिए जो हम रियल में, ऐसे नहीं कि हम बहुत ओवर द टॉप करें या फिर इमोशंस को भी. अगर हमें गुस्सा आ रहा है और हम रियल लाइफ में जैसे गुस्सा पोर्ट्रे करेंगे, हमने कोशिश की है कि हम वैसे ही करें, ये नहीं कि हम कुछ एक्स्ट्रा ही एकदम दिखाना शुरू करें. अगर जैसा लोग, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट आई थिंक इन द शो, वेर एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज रियल एज वी कुड पॉसिबली डू इट. एंड बाकी हर कैरेक्टर की एक अपनी कहानी है, कि नहीं कि हम जैसे कि एक ही दो कैरेक्टर्स हैं उनके आसपास सब घूम रहे हैं, नहीं. अगर आप किसी भी कैरेक्टर को देखेंगे तो सबका एक अपना अपना एक महत्व है शो में. दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल आई थिंक. थैंक यू, थैंक यू. आप लोग भाई के बारे में और रियल लाइफ में जो आपका नाम है, देखिए हमारी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, हमारा हाथ एक साथ ऐसे करते हैं. ओके ओके. नमस्ते, मेरा नाम गीता बिष्ट है और ये जो शो मैं कर रही हूँ मन सुंदर, इसमें मेरे किरदार का नाम है उषा मित्तल. मैं जो हमारी मेन लीड है रुचिता, उसकी मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. और उषा जो है वो एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ है, लेकिन मैं उसे सिर्फ हाउस वाइफ की तरह नहीं देखती हूँ. शी इज़ अ होम मेकर, घर को बनाने वाली, घर को चलाने वाली, संवारने वाली, सजो के रखने वाली, सबको मिला के रखने वाली एक ऐसी आम भारतीय नारी है जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन कई बार शायद उस तरह से उसको वैल्यू नहीं कर पाते हैं. उषा जो है वो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाएगी, उनके मतलब एकदम जैसे एक माँ होती है, एक बीवी होती है, एक अच्छी बहू होती है वैसी है. और एक माँ होने के नाते उसका अपनी बेटी के लिए एक ही चाहत है जीवन में, कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में शादी करके सेटल हो जाए, जैसे कि एक मिडिल क्लास मदर अपनी बच्ची के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए चाहती है. तो वही इसका कंसर्न है. बहुत अच्छी है, अपने परिवार में सबका ध्यान रखती है, सबकी बात मानती है, लेकिन अगर बच्ची के ऊपर बात आती है तो फिर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये अपनी बच्ची की खुशी के लिए, उसके अच्छा करने के लिए नहीं देखती कि पति ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, ये झंडा लेके एकदम आगे बढ़ जाती है. तो इतना प्यार है इसका अपनी बेटी के लिए. और थोड़ी कंसर्न ज़्यादा है क्योंकि समाज इस तरह से है. मैट्रिमोनियल साइट में भी जो ऐड आते हैं उनमें बड़ा क्लियरली लिखा होता है, सुंदर सुशील और गोरी लड़की. तो वो जो गोरी लड़की का एक बड़ा स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, उसकी वजह से इसकी टेंशन बढ़ती है जीवन में. और बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे, आप लोग देखिएगा और लिखिएगा कि कैसा चल रहा है हमारा शो. दैट्स ऑल अबाउट माय कैरेक्टर. नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ घाणेकर है और इस सीरियल में मैं श्रीधर मित्तल का रोल कर रहा हूँ. सारे पॉइंट्स इन्होंने पूरे बता ही दिए हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स मेरे नहीं हैं. जैसे मैं झंडा लेके आगे नहीं जाता हूँ, मैं इनकी बात को थोड़ा डिनाई करता हूँ कि नहीं ये अभी चलो नहीं करते हो जाएगा, बट समहू एक पॉइंट पे आके इनकी बात मान भी लेता हूँ, हाँ नहीं ऐसा है. और कंसर्न मैं भी अपनी बेटी से हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, उसकी जो लाइकिंग है उस पर बहुत ध्यान देता हूँ कि हाँ ये ऐसा सोच रही है, किस लिए ऐसा सोच रही है, ये सही सोच रही है. तो उस पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है मेरा उसको. और फिर वही बात, ये बात है कि आप देखिए मन सुंदर मंडे टू फ्राइडे 8:30. हाँ, तो हमारा शो मन सुंदर आ रहा है 18 अक्टूबर को रात 8:30 बजे सोमवार से शुक्रवार दंगल टीवी. याद कर लीजिए, जब भी प्रेस से मिले ना तो ये बोल दिया. हाँ जी, हाँ जी, हम रट लेंगे. गाती आ जाए दोनों.